चिकन नूडल्स वाला। देवीपुर नाम के गांव में शिवराज नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत बड़ा व्यापारी था, हजारों करोड़ों की जायदाद थी। एक दिन शिवराज का बेटा संतन, पिताजी अब आप बुड्ढे हो गए हो, हमारे व्यापार को मुझे सौंप दो और आप आराम करो। तुम ये बात कब पूछोगे, उसकी राह देख रहा था रे। मैं बहुत गरीब परिवार से आया हूँ, 10 साल की उम्र में सब्जी का व्यापार करना शुरू किया और आज यहाँ पहुँचा हूँ। तुम्हें तकलीफ क्या है नहीं पता, तुम मेरे बेटे हो भूलकर एक साधारण इंसान की तरह एक छोटे से नौकरी पर लग जाओ, कुछ समय पैसे कमाओ, तुम सब जिम्मेदारी लेकर मेरा व्यापार को अच्छी तरह निभा पाओगे। ये यकीन जब हो जाएगा तो उस दिन तुम जो पूछोगे वो करूँगा। पिताजी आप पागल हो गए हो क्या, क्या बात कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है क्या? तुम जो बोल रहे हो वो सिनेमा में देखने के लिए सही है, असलियत में वो सब नहीं होगा। इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी सब मेरे हवाले कर दो। अगले दिन शिवराज, मुझे मत ढूंढो कहते हुए एक चिट्ठी लिखकर घर से चले गया। देवीपुर से कुछ ही दूरी पर रामपुर नाम का एक और गांव था। ईश्वर नाम का एक व्यक्ति वहां चिकन नूडल्स व्यापार शुरू किया। वो एक बड़े से कढ़ाई में चिकन नूडल्स तैयार करके एक प्लेट 10 रुपए में बेचता था। क्यों भाई, हर चीज का दाम बढ़ता ही जा रहा है, तो तुम 10 रुपए में चिकन बेच रहे हो, तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? इसमें जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो सच में चिकन ही है क्या? कैसे इस्तेमाल करते हो? देखिए सर, हर व्यापार सिर्फ लाभ के लिए नहीं होता। एक बार मेरे नूडल्स खाकर देखिए, आपको पसंद आए तो पैसे दीजिए, वरना नहीं। वो व्यक्ति एक प्लेट नूडल्स खा लिया। तुम्हारे नूडल्स तो बहुत स्वादिष्ट है, चिकन भी बहुत अच्छा है। यही नूडल्स अगर मैं कोई बड़े रेस्टोरेंट में खाता तो 300 रुपए भी कम होते, तुम 10 रुपए में पता नहीं कैसे बेचते हो। रेस्टोरेंट वालों को बिल्डिंग, रसोई, वेटर्स, टेबल्स, बैठने के लिए कुर्सी, ऐसे कई चीजें करनी पड़ती है सर। मेरा क्या है, एक बंडी, एक कढ़ाई, बाकी सब तो मैं ही कर लेता हूँ। वैसे पैसों का क्या है सर, आप मेरे नूडल्स खाकर अच्छे है बोले ना, मेरे लिए वही 10,000 है सर। कुछ दिन यूं ही बीत गए। ईश्वर के बनाए 10 रुपए नूडल्स के बारे में आसपास के गांव में भी खबर फैल गई। 10 रुपए वाले चिकन नूडल्स खाने के लिए लोग सुबह से ही लाइन में आकर ठहरते थे। ईश्वर बिना जल्दबाजी के आराम से सबको प्लेट में चिकन नूडल्स डालकर देता था। संतन अपने पिता के लिए सारे गांव में ढूंढने लगा, उसे शिवराज कहीं दिखाई नहीं दिया। संतन शिवराज को ढूंढते ढूंढते एक दिन रामपुर आया। तब दोपहर का समय हो रहा था, उसे बहुत भूख लगी थी। खाना खाने के लिए वो कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था, वहाँ उसे आसपास कुछ नहीं मिला। अपने कार को एक पेड़ के नीचे रोककर रास्ते पर जा रहे एक व्यक्ति को बुलाकर, भाई यहाँ खाना खाने के लिए कोई होटल है क्या? होटल यहाँ वो सब नहीं है, आप चाहो तो हमारे गांव में बहुत फेमस हमारे ईश्वर का 10 रुपए वाला चिकन नूडल्स मिलते हैं, वो जाकर खा लो। क्या 10 रुपए के चिकन नूडल्स? मैं कौन हूँ जानते हो, मेरी कार देखकर भी मुझे ऐसी बातें बोलोगे? तुम जो भी हो मुझे क्या, तुम्हारे पास जितनी भी बड़ी कार हो मुझे क्या, भूख लग रही है कहा ना, तो जहाँ खाना मिलता है वो बताया। तुम्हारे पास जितनी भी महंगी कार क्यों ना हो, तुम्हारी इस भूख को तुम्हारी कार मिटा पाएगी क्या? 10 रुपए कहकर कम मत सोचो, खाओगे तो ही उसकी कीमत जानोगे, जल्दी जाओ, देर हो गई तो वो भी नहीं मिलेगा। मुझे एक प्लेट। संतन कुछ नहीं कहा और ईश्वर के 10 रुपए चिकन नूडल्स बेचने वाली जगह पर गया। संतन वहां मौजूद लोगों को देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गया। अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर ईश्वर के सामने फेंका और, मुझे एक प्लेट दो। पैसों की कीमत जिसे ना हो मैं उसे कोई चीज नहीं बेचता। तुम्हारे पैसे मैंने मुंह पर फेंक दिया है ना, मुझे नूडल्स दो। कहते हुए ईश्वर की ओर देखा, बस एक क्षण में दंग रह गया। पिताजी आप जो तुम्हें चाहिए वो दिया ना, तो मुझे ढूंढते हुए रास्ते पर क्यों आए?
पिताजी मुझे माफ करो पिताजी, व्यापार में मुझे कुछ नहीं पता है, MBA पढ़ा हूँ, अनुभव मिलेगा या नहीं सोचा, लेकिन बिना पढ़ाई किए आप इतना व्यापार कर सकते हो तो मैं पढ़ लिख कर क्यों नहीं कर सकता, यूँ सोचा था। व्यापार चलाना कितना मुश्किल है, इन्हीं 6 महीने में मुझे पता चल गया, इसलिए गांव-गांव में घूमकर आपको ढूंढ रहा हूँ। वैसे ये नूडल्स का व्यापार क्या है पिताजी? मैं जब छोटा था तब ही परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गिरी। नूडल्स देखते ही खाने का बहुत मन करता था, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण नहीं खा पाया। फिर व्यापार वगैरह में घुस गया तो मेरी ख्वाहिश पूरी ही नहीं किया। इतने सालों बाद मेरी वो ख्वाहिश पूरी हुई। मेरे जैसे कई लोग होते होंगे ना, उनकी भी इच्छा पूरी होनी चाहिए सोचकर नाम बदलकर ये 10 रुपए चिकन नूडल्स शुरू किया। इतने में भी कोई नुकसान नहीं है रे। फिर ये बातें सुनकर संतन एक छोटा सा नौकरी करने लगा। शिवराज व्यापार में संतन की मदद करते हुए अपने 10 रुपए वाले चिकन नूडल्स के व्यापार को भी करने लगा।